तो ट्रांसफार्मर के अंदर सबसे पहली चीज ध्यान से देखते जाएं, प्राइमरी कॉइल ऑफ एन आइडियल स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज 100 टर्न्स, क्या गिवन है? एन पी, एन पी की वैल्यू कितनी गिवन है? 100। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता था? के, के का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। क्योंकि आपको प्राइमरी के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स 100 गिवन है, तो आप यहां से सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स निकाल सकते हैं। तो एक आंसर आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कैसे निकलेगा, क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, द इनपुट वोल्टेज, इनपुट को क्या बोलते हैं? प्राइमरी। आउटपुट को का मतलब क्या होता है? सेकेंडरी। इनपुट वोल्टेज एंड पावर, इनपुट वोल्टेज का मतलब क्या गिवन है? ईपी, और इनपुट पावर का मतलब क्या है? ईपी इंटू आईपी, ईपी इंटू आईपी। इनपुट में प्राइमरी है ना, तो इनपुट पावर गिवन है, तो प्राइमरी की पावर गिवन है वोल्टेज इंटू करंट। अब आप खुद सोचें, ईपी इंटू आईपी की वैल्यू 1100 गिवन है, ईपी की वैल्यू कितनी है? 220 है। आप ईपी को पुट करें, किसकी वैल्यू आ गई? आईपी की वैल्यू आ जाएगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? प्राइमरी का करंट आ जाएगा यहां से। समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसमें? नेक्स्ट है, निकालना क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी हम निकाल चुके, करंट इन प्राइमरी, करंट इन प्राइमरी आ गया आईपी, वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी। अब वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी में पता है क्या करेंगे? ई एस बाई ई पी इज एन एस बाई एन पी। अब इसकी रेशियो तो आपको 100 गिवन है, आपको प्राइमरी की वोल्टेज 220 पता है, 220 यहां से सॉल्व करके क्या जाएगा? वोल्टेज इन सेकेंडरी आंसर। सही है यहां तक? तो वोल्टेज इन सेकेंडरी आ जाएगी ई एस। नेक्स्ट है करंट इन सेकेंडरी, करंट इन सेकेंडरी में काम करते हैं, आई पी बाई आई एस इज एन एस बाय एन पी। इसकी रेशियो तो 100 गिवन ही है, करंट प्राइमरी का हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ऊपर वाले पार्ट में, सेकेंडरी का करंट भी आ जाएगा आंसर। सही है। नेक्स्ट है पावर इन सेकेंडरी, पावर इन सेकेंडरी का मतलब है ई एस इंटू आई एस। ई एस आपको पता है, आई एस आपको पता है, ऊपर वाले पार्ट से मल्टीप्लाई करके सेकेंडरी की पावर आ जाएगी आंसर। तो घूम फिर के वही दो फॉर्मूले जो मैंने आपको भी बताए, उसी को यूज करते जाओ, बस वो कॉपी पे लिख लो, उसी को यूज करते जाओ, आंसर अपने आप आते जाएंगे। बस इसमें ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि कोई टर्म प्राइमरी की है या कोई टर्म सेकेंडरी की है, क्योंकि अगर आपने प्राइमरी को सेकेंडरी में डाल दिया आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आज हमने लेक्चर में कुछ नहीं करना, बस यही पढ़ना है कि कौन प्राइमरी की टर्म है और कौन सेकेंडरी की टर्म है। फॉर्मूला तो आपको आते ही है। तो जैसे और लगा के देखते हैं इसमें, 68 प्रॉब्लम में, हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाय प्राइमरी, मतलब क्या निकालना है? आई पी, आई पी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर विच स्टेप्स डाउन, ये नीचे करता है 220 वोल्ट को 22 वोल्ट में, 220 के आगे बने वोल्टेज इन प्राइमरी। तो प्राइमरी का मतलब पीछे से वोल्टेज आ रही है, और 22 वोल्ट का मतलब क्या है? वोल्टेज इन सेकेंडरी, प्राइमरी की वोल्टेज को सेकेंडरी में कन्वर्ट कर देता है 22 वोल्ट में। सही है, प्राइमरी सेकेंडरी क्लियर है। टू ऑपरेट अ डिवाइस, ट्रांसफॉर्मर में अगर कोई डिवाइस चलाना चाहते हो तो डिवाइस आउटपुट में सेकेंडरी में लगेगी कि प्राइमरी में? अगर कोई मशीन चलानी है ट्रांसफॉर्मर से तो वो मशीन डिवाइस कहां लगाऊं, सेकेंडरी में कि प्राइमरी में? कितने लोग बोलते हैं प्राइमरी में? मतलब अगर मुझे पंखा चलाना है तो पहले मैं पंखे को बिजली दूंगा और फिर कहूँ चल ट्रांसफार्मर तू भी ले ले, नहीं नहीं उल्टा हो गया, पहले मतलब अगर मुझे एसी चलाना है तो पहले मैं कहूँगा एसी चला लो, जो बचा हुआ करंट है वो स्टेबलाइजर में दे दो, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, सॉरी उल्टा हो गया, तो मैं पहले करंट किस में दूंगा? स्टेबलाइजर में, इनपुट में, प्राइमरी में, फिर आउटपुट मशीन किस में लगेगी? सेकेंड। तो डिवाइस हमेशा किस में लगी होती है? सेकेंडरी में, जिसको चलाना है। राइट, क्लियर है? तो सेकेंडरी में लगी हुई है। टू ऑपरेट अ डिवाइस विद इम्पीडेंस, इम्पीडेंस का मतलब होता है रेजिस्टेंस, तो इस डिवाइस की रेजिस्टेंस 220 वोल्ट है, तो ये जो रेजिस्टेंस है ये सेकेंडरी की रेजिस्टेंस है, जिसकी वैल्यू कितनी है? 220 ओम है। डिवाइस सेकेंडरी में है तो उसकी रेजिस्टेंस भी सेकेंडरी में है, रेजिस्टेंस सेकेंडरी में पता है,
वोल्टेज सेकेंडरी में पता है तो करंट भी आ जाएगा सेकेंडरी में, ई एस डिवाइडेड बाय आर। ओम लो सेकेंडरी में ओम लो लगा लो, इज इक्वल टू आई आर, तो आई इज इक्वल टू ई बाय आर। ई एस पता है, आर एस पता है, आई एस की वैल्यू भी आ गई, सेकेंडरी करंट आ गया इसमें। नेक्स्ट क्या निकालना है, हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाय प्राइमरी पर, अपने को तो आई पी निकालना है। एक काम करो, ई एस बाय ई पी इज इक्वल टू आई पी बाय आई एस। आई एस तो आपने निकाल ही लिया, ई एस ई पी गिवन है, सॉल्व करके क्या आ जाएगा, आई पी आ जाएगा। देखो तो मेरे को नहीं पता ये किताब कैसे, क्योंकि किताब में ना ई टू ई वन में, ई टू मीन सेकेंडरी, ई वन मीन प्राइमरी, मेरे को थोड़ा मुश्किल होता है, मेरे को एस आर पी ज़्यादा बेटर लगता है, सेकेंडरी प्राइमरी दिखता है मुझे। बट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें, कोई डाउट इसमें? ठीक है, नेक्स्ट है 69th में, ट्रांसफॉर्मर हैज 500 टर्न्स इन प्राइमरी, बोलो क्या गिवन है, एन टी, एंड 1000 टर्न इन सेकेंडरी, क्या गिवन है, एन एस। द प्राइमरी वोल्टेज इज क्या गिवन है, ई पी, एंड लोड इन सेकेंडरी, लोड का मतलब होता है लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं, लोड मींस रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस कहां पे लगी होती है, सेकेंडरी, तो सेकेंडरी की वैल्यू गिवन है आर एस। कैलकुलेट करंट इन प्राइमरी, ये निकालना है। अब क्योंकि मेरे को इस क्वेश्चन में ई एस बाय ई पी इज एन एस बाय एन पी लगा लो, एन एस की वैल्यू आपको 1000 पता है, एन पी की वैल्यू आपको 500 पता है, आपको इसमें प्राइमरी में वोल्टेज पता है 200, तो यहां से क्या जाएगा, यस, ई एस की वैल्यू आ जाएगी यहां से, सेकेंडरी की वोल्टेज आ गई। आपको इसमें क्या निकालना है, करंट इन प्राइमरी। एक काम करें, वोल्टेज इन सेकेंडरी, वोल्टेज इन प्राइमरी इज इक्वल टू करंट इन प्राइमरी, करंट इन सेकेंडरी। गिवन गिवन, वोल्टेज इज गिवन है, करंट की वैल्यू सेकेंडरी में हम निकाल सकते हैं कैसे, आई एस इज इक्वल टू ई एस डिवाइडेड बाई आर एस, क्योंकि तुमने यहां से ई एस निकाल लिया, आर एस तुम्हें गिवन है, तो समझो आई एस भी आ गया, और एक बार आई एस आ गया तो सॉल्व करके क्या आ गया, आई पी भी आ जाएगा, क्योंकि सेकेंडरी की रेजिस्टेंस पता है, सेकेंडरी की वोल्टेज पता है, निकाल ली हमने, तो यहाँ से वैल्यू पुट करके आई पी आ जाएगा। मतलब गिने वही घूम फिर के फॉर्मूला तो एक ही यूज़ हो रहा है, ये फॉर्मूले में दो वैल्यू गिवन होगी, दो नहीं गिवन होगी, कुछ और गिवन होगा, या तो पावर गिवन होगी या फिर रेजिस्टेंस गिवन होगी, तो ओम लॉ से रेजिस्टेंस से करंट भी आ जाएगा। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें। फिर देखो एक बार 70th में देखो जरा क्या क्वेश्चन गिवन है, आइडेंटिफाई करो क्या कुछ गिवन है, ये ज़रूरी है। आइडियल ट्रांसफॉर्मर, या आइडियल ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, जिसकी एफिशिएंसी क्या होती है, 100% लॉस नहीं है। नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्या गिवन है, ई पी, क्या गिवन है, सॉरी एन पी, तो नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है एन पी, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है एन एस। इफ द पावर इनपुट टू द प्राइमरी इज, इनपुट का मतलब प्राइमरी, ई पी आई पी पावर 10 किलोवाट गिवन है, ये लो ये वैल्यू आपको गिवन है एट 220 वोल्ट, यानी कि प्राइमरी की वोल्टेज भी गिवन है 200 वोल्ट, कह रहे पावर इतनी है प्राइमरी की और वोल्टेज भी गिवन है। भाई जब तुम्हें वोल्टेज गिवन है तो यहां से सॉल्व करके क्या आ जाएगा, आई पी आ जाएगा। क्लियर है, सही है यहां तक, पावर गिवन है, पावर में से वोल्टेज भी गिवन है, सब प्राइमरी की वैल्यूज गिवन है, और आपके पास ये टर्म आ जाएगी, राइट। कैलकुलेट आउटपुट वोल्टेज, अब आउटपुट वोल्टेज में क्या होगी, आउटपुट वोल्टेज है ई एस, तो ई एस बाय ई पी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, गिवन गिवन ई पी गिवन ई एस आ जाएगा, ई पी तो पता ही है, ई एस आ गया तो वोल्टेज इन सेकेंडरी आ गई, सही है, एंड करंट इन प्राइमरी वो तो निकाल ही लिया, करंट इन प्राइमरी आंसर आ गया। तो आइडिया समझ में आ रहा है, मतलब अगर कुछ ना समझ में आए वो अपने सामने दो फॉर्मूले लिख लो, उसमें वैल्यू पुट करते जाओ, कुछ तो निकाल ही लोगे। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका। जैसे 70th के बाद क्वेश्चन नंबर 71
सेम है, 71 होमवर्क है। 72, 72 देखें प्लीज क्या गिवन है, एक बार चेक करें। शार्वी क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखें प्लीज। क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मर ऑफ 100% एफिशिएंसी, चलो 100% एफिशिएंट है, 200 टर्न्स इन प्राइमरी क्या गिवन है एनपी, एंड 40,000 टर्न्स इन सेकेंडरी क्या गिवन है एनएस। इट इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट एसी मेंस। अब एसी मेंस ये इनपुट है कि आउटपुट है, इनपुट है 220 वोल्ट एसी मेंस, तो ये ई टी है, इनपुट का मतलब पीछे लगा हुआ है एसी मेंस। एंड सेकेंडरी फीड्स टू 100 ओम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हमेशा किस में लगी होती है सेकेंडरी। कैलकुलेट आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस पर टर्न, आउटपुट का मतलब क्या निकालना है, सेकेंडरी की वोल्टेज पर टर्न निकाल दी, क्लियर है, तो आउटपुट वोल्टेज पर टर्न निकालनी है। एंड पावर डिलीवर टू दी लोड, लोड किस में लगा होता है सेकेंडरी में, तो क्या निकालना है ई एस इंटू आई एस भी निकालना है, ये दो चीजें निकालनी है, सही है। अब रूल क्या लगेगा, आपको ये पता है ई एस बाई ई पी इज एन एस बाई एन पी, गिवन गिवन ई पी गिवन क्या आ गया ई एस, ई एस को एन एस से डिवाइड कर दो, पहला आंसर आ गया, क्योंकि ई एस भी पता है एन एस भी पता है, तो वोल्टेज पर टर्न आ गया। नेक्स्ट क्या निकालना है, ई एस इंटू आई एस, आर एस पता है ई एस पता है, तो आई एस तो आई जाएगा, कैसे, ई एस डिवाइडेड बाय आर एस, तो आई एस आ गया, आई एस आ गया, आई एस आ गया, ई एस तो गिवन ही है, मल्टीप्लाई करके पावर आ गई, आंसर समझ में आ रहा है यहां तक, मतलब एक्चुअल में मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मेरे को वही दो ही फॉर्मूले आते हैं। मैं सच बताऊँ जब मैं लिखता हूँ ना ये फॉर्मूला, मुझे खुद नहीं पता मैं सही लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे फॉर्मूला ही एक आता है, मैं उसी में डाले जा रहा हूँ, वहाँ से पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर इसमें क्या वैल्यू पुट करनी है क्या नहीं पुट करनी, तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक। अब एक काम करते हैं, ये करते हैं 73 एफिशिएंसी, प्रेजेंट देखो इसमें क्वेश्चन है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज यूज टू रिड्यूस द मेन सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट टू 11 वोल्ट, तो क्या गिवन है
ईपी क्या हो जाएगा, ई एस प्राइमरी से सेकेंडरी में ये हो जाएगा, प्राइमरी ड्रॉज अ करंट ऑफ, क्या गिवन है, आई पी सेकेंडरी आई एस एफिशिएंसी निकाल लो, इसका मतलब 100% बिल्कुल भी नहीं है, तो ई एस आई एस ई पी आई पी इंटू 100, चारों वैल्यूज गिवन है, पुट करके एफिशिएंसी आंसर, ठीक है यहां तक? तो कैसे निकलेगी एफिशिएंसी, क्लियर है? नेक्स्ट है 74, देखो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय प्राइमरी, क्या निकालना है, आई पी विच स्टेप्स डाउन, क्या गिवन है, ई पी, ये क्या गिवन है, ई एस टू ऑपरेटर डिवाइस, क्या गिवन है, आर एस, अगर आर एस पता है, ई एस पता है, तो समझो आई एस भी पता है, ई एस डिवाइडेड बाय आर एस, तो आपको आई एस भी पता है, एफिशिएंसी 80% है, एफिशिएंसी होती है ई एस आई एस ई पी आई पी इंटू 100, एफिशिएंसी 80, ई एस पता है 20, आई एस की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ से, ई पी की वैल्यू पता है 200, आई पी की वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन में, आई पी निकालना है इंटू 100, आई पी की वैल्यू आ जाएगी आंसर। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक यूज करेंगे इसमें, अगर 100% एफिशिएंसी नहीं है तो कैसे करना है, कोई डाउट इसमें, ठीक?